पर्यटन, ऊर्जा, रियल एस्टेट, उद्योग और हेल्थ सेक्टर में साइन होंगे एमओयू। 2000 करोड़ से अधिक के निवेश का रास्ता होगा साफ। इन्वेस्टर मीट से पहले निवेश लाने के लिए 25 फरवरी को एमओयू साइन करेगी सरकार। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से समय रहते मिलेगी भूकंप की जानकारी। केंद्रीय विश्वविद्यालय व IIRS देहरादून, नूरपुर व पालमपुर में लगाएगा GPS। कश्मीर से नेपाल तक टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल भी आएगी सामने। अब हिमाचल में होगी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की जांच। परवाणु के NRTC और NABL से मिली मान्यता। हिमाचल सहित 4 राज्यों के उद्योगपतियों को मिलेगा लाभ। कुल्लू जिला के सैंज में शुरू हुआ 2 दिवसीय सांसद स्वास्थ्य मेला। रामस्वरूप ने किया मेले का शुभारंभ। 31 मार्च से शुरू होगी गग्गल जयपुर के बीच सीधी उड़ान। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पाइसजेट ने लिया सीधी उड़ान संचालित करने का फैसला। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का प्रकोप। 50 दिन के भीतर 236 लोग हुए प्रभावित। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर सख्त हुई सरकार। फिजिकल टेस्ट से लेकर लिखित परीक्षा की भी होगी वीडियोग्राफी। प्रदेश के 8 सर्कलों में 16 मार्च से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। औपचारिकताओं में फंसी 300 से अधिक बिजली परियोजनाओं को सरकार का अल्टीमेटम। 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक करना होगा प्रोजेक्ट का काम। बिजली उत्पादन नहीं हुआ शुरू तो रद्द होंगे प्रोजेक्ट। बिलासपुर में विस्थापितों के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए स्थायी समाधान निकालेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा विस्थापितों को लेकर जल्द बनाई जाएगी नीति। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने शिमला, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति व कुल्लू में जारी किया अलर्ट।